तो नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। और आज तारीख है 3, भैया दूज है, देश भर में भैया दूज मनाया जा रहा है। तो फ्री हैं, आज संडे है, तो हम बैठ गए हैं अपना एक्स लेके और देखते हैं आखिर आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। तो देखते हैं भाई क्या हो रहा है वर्ल्ड में। एक्स पे चलते हैं और पता करते हैं कौन क्या कह रहा है। क्रिस्टिनो रोनाल्डो कुछ कह रहे हैं, इनके फॉलोवर जो है ना वो करीब 1.5 करोड़ फॉलोवर हैं इनके, अच्छे खासे फॉलोवर हैं। और अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, फिट फाट हो रहे हैं। मायावती कुछ कह रही हैं, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्र क्या यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे भाई साहब। ये चीज़ गलत हो रही है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें 50 से कम छात्र हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, दूसरे एक और जो प्राथमिक विद्यालय है उसे मर्ज किया जा रहा है। हरियाणा में भी ये बात उठी है, तो ये मैं इसको गलत मानता हूँ। चाहे 10, क्योंकि जापान में देखो एक जगह है जहाँ एक बच्ची है पढ़ती है, वो उसके लिए बाकायदा ट्रेन रुकती है स्टेशन पर। तो चाहे 50 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हों, तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी गवर्नमेंट की कि वो एजुकेशन दे और इन स्कूलों को बंद ना करें। चलिए मोदी जी, अभी ये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, 104 या 105 साल के थे, विधायक रह चुके हैं, यूपी के हैं नारायण जी, इनका देहांत हुआ है, इनका देहा स्वर्गवास हुआ है, इनका इसकी पोस्टडी है। अखिलेश ने वही एक पोस्ट डाला है, सेना में मेडल पाए एक फौजी के साथ उत्तर प्रदेश में जैसा हिंसक व्यवहार किया गया वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों के सम्मान में तो न्याय करें, देखना है पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। क्या है मामला, देखते हैं। हूँ आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया जहां पर क्या हुआ क्या। मैं अपने घर पहुंचा, पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए कुछ पटाखे वगैरह लेने थे, उसके बाद वहां पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहां से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु एसआई हिमांशु मलिक, जैसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा है तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल 2 SI जिसमें हिमांशु मलिक, SI अमित कुमार, मुझे अभिषेक कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए, बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता, सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मैं मुझे इतना मारा है, इतना मारा है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी उस चीज को भूल नहीं सकता हूं। क्या कह सकता भाई, ये News24 की तरफ से खबर है कि पप्पू यादव का एक बयान आया है कि लॉरेंस बिश्नोई आपको जिसको मारना है मारे, मुझे मतलब नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब भाई साहब देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में।
एक सांसद लॉरेंस बिश्नोई से सेफ नहीं है तो सोचिए आम आदमी क्या का क्या हाल होगा। एक सांसद लॉरेंस बिश्नोई से सेफ नहीं है तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। ये कह रहे हैं लोग, जब नहीं था गान में गुदा, ये गलत बात है, गलत। अब सलमान का क्या होगा, बाघ तो सियार हो गया, ये तो हक दिया। मैंने पहले ही दिन बोला था ये आदमी दार का करेजा लेकर पैदा हुआ है, मगर जैसे दल्ले इसको बाघ का करेजा बोल कर चढ़ दिए। लोकतंत्र सो रहा है भाई, लट्टी में सो रहे हैं। पप्पू जी एक जिम्मेदार नेता हैं, कुछ दो टके के पत्रकार उन्हें गुंडा घोषित कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। रॉकेट फुलझड़ी ये भाई साहब, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये पप्पू यादव के बारे में कह रहे हैं, बाघ का करेजा। चलिए बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, अब अखिलेश दे रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। भाई सीटों पे, 10 सीटों पे चुनाव है, तो ये चुनावी चीज़ें हैं, सब चलती रहती हैं। चुनाव पर नए नए भाषण आते हैं, नए नए नारे आते रहते हैं चुनाव पर, तो चलता रहता है भाई। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे, ये मायावती का कहना है भाई, मायावती का बयान आ गया। देखो सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर भाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफी समय से आपका जो बुरा हाल है, एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। नेताओं के बयान यहाँ आते रहेंगे, ये बस चुनाव में आती हैं, चुनाव में दिखती हैं, अपनी सूरत दिखा के चली जाती है। अब मायावती जी का समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी लीडर रह चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है प्रदेश की, इनका क्या हाल हो गया है? इतना बुरा हाल हो गया है कि ना लोकसभा में इनकी कोई सीट है, ना विधानसभा में इनकी कोई सीट है। हाँ, 2-3 सीटें होंगी विधानसभा में की, तो अब ये लड़ती हैं चुनाव, नहीं लड़ती हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं सब जानते हैं, इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चल रहा है भाई सब, भाजपा सरकार में वसूली बाज बन गई पुलिस, ये समाजवादी पार्टी की पोस्ट है। गांव गोविंदपुरी तहसील, गांव गोविंदपुरी पोस्ट मास्टर तहसील मवाना थाना किला अपरसरगढ़, पुलिस यहां आके बिना बात की दबाव बना रही है और मारपिटाई कर रही है। मैं योगी जी से हाँ दारू पी के पुलिस वाले दारू पी के बदतमी नहीं कर रहे, मैं योगी सरकार के उसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कार्यवाही करी जाए। पुलिस वालों के नंबर ये हैं और ये सत्येंद्र सिंह जी हैं और बुरी हालत है। और एक खबर आ रही है हरियाणा के
के करनाल से तेज रफ्तार की थार ने कहर मचा दिया। एक्स पे क्या हो रहा है, तो अभी वक्त कम है, तो चलिए मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।